हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे व्रत में खाने वाली एक नई रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। ये हमने कुछ आलू लिए हैं, इनको हमने ओके छील लिया है। ये कुछ मखाने हैं, मूंगफली के दाने, धनिया पत्ती, एक चम्मच जीरा, दो बड़े चम्मच घी, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर और एक हरी मिर्च। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को कट करेंगे। हम एक दूसरी प्लेट लेंगे और इस तरह से हम इन आलूओं को कट करेंगे। हम इनके चार पीस कर रहे हैं, जो कि हमारे आलू जो है वो मीडियम साइज के हैं। इस तरह से हम ये सारे आलू काट लेंगे और हमारे आलू कट कर तैयार हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। पैन हमारा गरम हो गया है। अब हम सबसे पहले इसमें मूंगफली के दाने डालेंगे और एक मिनट तक हम इनको रोस्ट करेंगे। गैस को स्लो ही रखेंगे। ये हमने मूंगफली के कच्चे दाने लिए हैं। अगर आप कच्चे दाने नहीं ले रहे हैं, पके हुए ले रहे हैं, तो इनको बाद में यूज करें, तो इन्हें रोस्ट करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये मूंगफली के दाने रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ये मखाने डालेंगे और इनको भी रोस्ट करेंगे। ये आलू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और व्रत में इनको सभी पसंद भी करते हैं। मखाने भी हमारे रोस्ट हो गए, हम इनको भी निकाल लेंगे। अब हमने ये जो घी लिया है, अब हम घी डालेंगे। घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसमें ये हरी मिर्च डालेंगे। और अब हम ये आलू डाल देंगे।
और अब हम इसको चलाते हुए भूनेंगे। और 5 से 6 मिनट तक हम इनको भूनेंगे ताकि ये अच्छे से कुरकुरी और क्रिस्पी हो जाएं। फ्रेंड्स, ये हमने जो जीरा पाउडर लिया है इसमें हम ये जीरा पाउडर डाल देंगे। इसमें हमने नमक का यूज नहीं किया है। कुछ लोग होते हैं जो सेंधा नमक व्रत में यूज नहीं करते हैं, तो हम उसको हटा देते हैं। इसी तरह मैंने भी नहीं इसमें यूज किया है। आप अगर उसको यूज करना चाहती हैं तो आप कर सकते हैं। अब ये जो हमने मूंगफली और मखाने भून के रखे हैं वो भी हम इसमें मिला देंगे। अब हम गैस को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि ये अच्छे से कुरकुरे हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू बनकर तैयार हैं। आपको दिख रहा होगा कि इनका कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक बाउल में निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे व्रत के आलू बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे व्रत के आलू बनकर तैयार हैं, ये बहुत ही टेस्टी बने और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।